हाँ हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। देखो आज मैं 12th क्लास के लिए बायो का चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये लेके आया। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है? टोटल वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के मामले में कंप्लीट हेल्थ, कंप्लीट स्वास्थ्य, दैट इज फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियोरल एंड सोशल, सामाजिक रूप से, व्यवहारिक रूप से, भावनात्मक रूप से और भौतिक रूप से, मतलब मन से लेके मस्तिष्क से लेके शरीर तक। सोच भी सही हो, स्वास्थ्य भी सही हो, सामाजिक दायरा भी सही हो, ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहलाता है। कोई आदमी शरीर से स्वस्थ है लेकिन मन से बीमार है, रिप्रोडक्शन के मामले में वो हेल्थी पर्सन नहीं कहलाएगा। अब देखिए, हमारी गवर्नमेंट ने जब देश स्वतंत्र हुआ उसके बाद ही कुछ स्ट्रेटेजीज अपनानी शुरू की, कुछ तरीके बनाए कि ताकि हमारे देश के लोग इन सब चीजों के मामले में स्वस्थ रहे। जो पहला फैमिली प्लानिंग कमीशन बना था उसमें सबसे पहले 1951 में योजना आयोग बनाई गई, सबसे पहले 1951 में फैमिली प्लानिंग की बात की गई थी। फैमिली प्लानिंग क्या होती है मुझे मिला, आप सब लोग जानते होंगे। चलो मैं 60 में बता देता हूं। सबसे पहले तो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, ये कार्यक्रम चलाया गया। ये क्या है? उसको RCH बोला जाता है, RCH, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। इसमें कैसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी सही रहे, बच्चों की माताओं की केयर भी सही ढंग से हो, उनको सही भोजन मिले, सही रूप से स्वस्थ हो, ये कार्यक्रम पूरे देश में, जिसको RCS नाम दिया गया। और दूसरी चीज क्या की गई, मेरे ख्याल से हाई स्कूल से ही बच्चों की शिक्षा में सेक्स एजुकेशन नाम से एक चैप्टर लगाया गया। छोटे क्लासेज में भी है, कुछ चीजें बताई जाती है, क्लास 7-8 में भी है, 9-10 में भी है, 12th में भी है, क्योंकि माना जाता है कि 12th क्लास तक आते आते बच्चे थोड़े से मेंटली मैच्योर हो जाते हैं, तो उनका काफी विस्तार से। तो सेक्स एजुकेशन लागू किया गया ताकि बच्चों में जो मिसकंसेप्शन है, जो मिथ है, जो वो समाज में उनके अंदर लोगों से सुन के गलत चीजें भरी हुई हैं, वो उनका मिसकंसेप्शन खत्म हो, वो मिथ उनका खत्म हो, वो सही जानकारी उनको अपनी किताब से या अपनी क्लास से, उनको एजुकेशन से मिल सके, इसलिए ये चैप्टर वहां दिए गए हैं। और इसके बाद सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट भी दिए गए हैं। STDs हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जी ऐसी बीमारियां जिनका ट्रांसमिशन सेक्स के कारण होता है। एड्स है, एड्स इतनी खतरनाक बीमारी, उसका भी ट्रांसमिशन ऐसे ही होता है। तो बच्चों को इनके बारे में जानकारी मिले कि ये क्या चीजें हैं, वो गलत चीजों, गलत जानकारी न इकट्ठा करें। उसके बाद देखिए, बर्थ कंट्रोल ऑप्शन, कैसे जन्म दर को लिमिट में, कंट्रोल में रखा जाए, ये बताना। केयर ऑफ प्रेगनेंसी मेथड, प्रेगनेंसी के टाइम में कैसे सावधानी रखी जाए। पोस्टनेटल केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड, पोस्टनेटल कहलाता है बच्चे के जन्म के बाद बच्चे की देखभाल, मां की देखभाल। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग,
कहा जाता है कि बच्चे के जन्म के बाद माँ का जो दूध होता है बच्चों को पिलाया जाता है वो सबसे अधिक पौष्टिक माना जाता है। तो बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग से क्या फायदा होता है, इसका क्या महत्व है, ये बताया जाए। और पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में, जनसंख्या वृद्धि के बारे में लोगों में जागृति अवेयरनेस पैदा की जाए। जो भी सोशल इविल हैं, सामाजिक बुराइयां हैं, सेक्स एब्यूजेज हैं, सेक्स रिलेटेड क्राइम्स हैं, इनको कम किया जाए। आजकल आप लोग देखते होंगे सोसाइटी में अक्सर रेडियो पर, टीवी में, अखबारों में बहुत सारी ऐसी क्राइम्स देखने में आती हैं जो सेक्स रिलेटेड होती हैं, जहां लोगों को इन जानकारियों का अभाव होता है। तो ये सब चीजें सेक्स एजुकेशन से रिलेटेड हैं। उसके बाद एमनियोसिंथेसिस, देखिए बहुत लोग क्या करते हैं, बच्चे के जन्म से पहले बच्चे का लिंग परीक्षण कराते हैं, कहते हैं ए फर्टल सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट, प्रीनेटल टेस्ट भी कहा जाता है। प्री नेटल टेस्ट आर, कई सारे नाम है किस चीज के, होटल सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट। देखिए एमनियोसिंथेसिस और प्रीनेटल टेस्ट और फर्टल सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट, ये बच्चे के जन्म के समय बच्चे के लिंग का पता लगाने के लिए किया जाता है कि वो बेबी मेल चाइल्ड है कि फीमेल चाइल्ड है। ठीक है, यूटेरस से कुछ लिक्विड जो फर्टस के बाहर होता है उसे निकाल लिया जाता है, उससे कुछ सेल्स होती हैं फ्री लिविंग, उनसे पता चल जाता है, वो डिटेल का बाद में पढ़ेंगे हम लोग। फिर देखिए, अगर कभी कभी क्या होता है कुछ जगहों पर, अपने कुछ कई प्रदेशों में भी है कि फीमेल फर्टिसाइड, फीमेल फर्टिसाइड फीमेल फर्टिसाइड क्या है, कन्या भ्रूण हत्या। कई लोग जब जान जाते हैं टेस्ट करा के कि आने वाली संतान बच्ची है, फीमेल चाइल्ड है, तो लोग एबॉर्शन करा देते हैं, उसकी हत्या करा। समाज में अगर दोनों का बैलेंस, मेल फीमेल बच्चों का बैलेंस बिगड़ जाएगा तो समाज का संतुलन कैसे रहेगा। इस टेस्ट पर आजकल बैंड लगा दिया गया है, लेकिन कुछ लोग क्रोमोसोमल डिजीज की आड़ में इस टेस्ट को कर लेते हैं, करा लेते हैं, लेकिन अगर वो डॉक्टर भी पकड़े जाते हैं तो टेस्ट का जो सेंटर है वो भी बैंड होता है, लोगों को सजा भी हो जाती है, डॉक्टर्स को भी सजा हो जाती है। उसके बाद कुछ और चीजें हैं, मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन, आप देखते हैं बच्चों को बहुत सारे ड्रॉप्स वगैरह पिलाए जाते हैं, कितने इंजेक्शन लगाए जाते हैं ताकि बच्चा आगे स्वस्थ रहे। बहुत लोगों को इसके बारे में मिसकंसेप्शन है, यानी ये दवाई पिलाएंगे तो हमारे बच्चे के साथ ये हो जाएगा, खासतौर से मुस्लिम कम्युनिटी में तो बहुत ही ज्यादा है। उसके बाद एक कॉन्ट्रासेप्टिव है सहेली, सहेली कॉन्ट्रासेप्टिव को सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ ने डेवलप किया है, वो ओरल पिल है जिसको गोली टेबलेट खाई जाती है, ये बर्थ कंट्रोल के लिए है। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, जब बच्चे पैदा होते हैं तो पहले बहुत बच्चे मर जाते थे, 4 साल 5 साल तक 6 साल तक जाते जाते उनमें बहुत ज्यादा भोजन के प्रोटीन वगैरह की कमी होती थी, पोषण न्यूट्रिशन की कमी होती थी, तो बच्चों की डेथ हो जाती थी। तो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट
और उसके बाद तो माताओं की भी मृत्यु हो जाती थी कई जगह। इन सब चीजों के लिए सरकार ने पूरी स्ट्रेटेजी बनाई है, पूरा खाका तैयार किया कि कैसे लोगों को अधिक से अधिक इसकी हेल्प की जाए। ठीक है, अब इसके बाद पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का लेकर चलते हैं। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हिंदी में कहते हैं जनसंख्या विस्फोट। विस्फोट तो सब जानते हैं, ये टाइप बहुत ज्यादा हो जाए उसको विस्फोट कहा जाता है। जनसंख्या विस्फोट का मतलब है कि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन का बढ़ जाना, ये है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे देखिए, जब 1900 में 1900 में वर्ल्ड पॉपुलेशन कितनी थी, 2 अरब। थाउजेंड में कितनी हो गई, 6 बिलियन। 2006 बिलियन हो गई। 100 साल में कितनी बढ़ी आप निकालो। भारत जैसे इंडिया में जब देश स्वतंत्र हुआ 1947 में और 51 में मतगणना हुई तो यहां पर 350 मिलियन यहां की जनसंख्या थी और 2001 के सेंसस में 1 बिलियन। इस समय हम लोग 1.34 बिलियन क्रॉस कर गए हैं, 134 करोड़ से भी अधिक की जनसंख्या इंडिया की हो चुकी है। इंडिया जैसे छोटे देश में इतनी तेजी से जनसंख्या का बढ़ना, यही पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है। अब इसके रीजन क्या है, क्या क्या प्रॉब्लम हो तो बाद बताऊंगा, पहले रीजन देखिए। सबसे पहली चीज रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट। रीजन्स में क्या है, नंबर वन रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट। मैं क्लियर कर जाता हूं, देखिए देश में वैज्ञानिक उन्नति बहुत ज्यादा हुई है, साइंटिफिक डेवलपमेंट जो है मेडिकल लाइन में भी हुआ है, अच्छी अच्छी लैब्स बन गई, अच्छी अच्छी दवाइयां बन गई हैं, डेथ रेट कम हो गई, मृत्यु दर जो है कम हो गई है, मैटर्नल मॉर्टिलिटी रेट भी कम हो गई है। मैटर्नल मॉर्टेलिटी रेट, इसको MMR बोलते हैं, ये भी कम हो गई है। पहले अधिकांश डिलीवरी के समय अधिकांश माताएं मर जाती थी, उनको इलाज नहीं मिल पाता था, गांव की दाइयां वगैरह होती थी वो भी बहुत एक्सपर्ट नहीं होती थी, तो बहुत ज्यादा माताओं की मृत्यु हो जाती थी डिलीवरी के समय। ये चीजें कम हो गई हैं। जब यहाँ बड़े बूढ़े लोगों का मरना रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट ये कम हो गया है, मॉर्टेलिटी रेट कम हो गई है, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट भी घट गई है, और तीसरा है इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट IMR बच्चों की मृत्यु दर भी कम हो गई है। ज्यादा से ज्यादा लोग जिंदा रह रहे हैं, ज्यादा समय तक जिंदा रह रहे हैं, तो जनसंख्या तो बढ़ी ही है, मृत्यु दर कम हो जाएगी, जीवन स्पैन जीवन दर बढ़ जाएगा, तो आने वाले आ रहे हैं, मरने वाले कम हो गए, तो जनसंख्या तो अपने आप ही बढ़ जाएगी। ये कुछ रीजन है पॉपुलेशन ग्रोथ के। ठीक है, इस समय इंडिया में जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, भारत में जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है
वो 17% है। 17% का मतलब है कि 1.7%। इसका मतलब है कि 17% पर थाउजेंड पर ईयर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 1.7%। इसका मतलब 17 per 1000 per year 17 आदमी 1000 में 17 हर साल बढ़ रहे हैं। ये है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इंडिया में। अब इससे क्या होगा, भोजन की समस्या होगी, शेल्टर आवास की समस्या होगी, क्लॉथिंग कपड़े की समस्या, सारी समस्याएं होंगी। आपका घर जितना है उतना ही है। मालूम हुआ कि दो ही पीढ़ी में कई गुना लोग हो गए, कहां रहेंगे। जमीन खेती करने वाली उतनी ही है, भोजन सबको चाहिए, जनसंख्या बढ़ गई, सबको भोजन कहां से मिलेगा। कपड़ा सबको चाहिए, कहां से मिलेगा। इलाज सबको चाहिए, पानी सबको चाहिए, मकान सबको चाहिए, तो सरकार की तो सारी प्लानिंग ही फेल हो जाती है। जनसंख्या वृद्धि की वजह से, ग्रोथ रेट की वजह से सरकार की साथ, जब तक सरकार सोचती है हम यहाँ हॉस्पिटल बनवाएं, यहाँ स्कूल बनवाएं, देखिए आपको हॉस्पिटल में भीड़, स्कूल में जहां जाइए वहीं देखिए भीड़, बसों में भीड़, ट्रेनों में भीड़। इतनी ज्यादा जनसंख्या वृद्धि हो गई है कि इतने डेवलपमेंट के बाद भी चीजें कम पड़ जा रही है, तो खास तौर से फूड शेल्टर और क्लॉथिंग की तो हमेशा कमी आ जाती है इस पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से। तो सरकार ने क्या किया, स्मॉल फैमिली के लिए लोगों को मोटिवेट करना, मोटिवेशन कि आप लोग छोटा परिवार रखिए। देखिए पहले हम लोग छोटे थे, आज से लगभग 40 साल पहले ये कहा जाता था बस 2 या 3 बच्चे होते हैं घर में, अच्छे 2 या 3 ज्यादा नहीं। बाद में हो जाएगा हम दो हमारे दो, दो ही बच्चे अच्छे। अब वन चाइल्ड नाम, बच्चा एक ही अच्छा, वन चाइल्ड नाम सबको बताया जा रहा है कि एक ही बच्चा हो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो वही ठीक है। हम उसको ठीक ढंग से पढ़ा सकते हैं, ठीक ढंग से उसको भोजन, उसके सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन जनसंख्या बढ़ने के बाद हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, सबके लिए कमी हो जाएगी। अब मैरिजेबल एज भी बढ़ा दी गई, पहले बाल विवाह हो जाते थे, कम उम्र में शादियां होती थी, मालूम हुआ कि 35-40 साल की उम्र तक कई बच्चे हो गए। जब तक आदमी सोचे कि हम अपने के लिए क्या करें आगे भविष्य की बात सोचे, तब तक मालूम हुआ कि उसके तो कई बच्चे हो गए। तो सरकार ने जो मैरिजेबल एज है उसको लड़कियों के लिए 18 साल और लड़कियों के लिए 21 साल कर दी, ताकि थोड़ा लेट मैरिज होगी, बच्चे लेट होंगे कम। अब देखिए इस बर्थ कंट्रोल को अडॉप्ट करने के लिए कि बच्चे कम हो, बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हैं अपनाए गए हैं, तो मैं थोड़ा सा लिखता हूं उसको, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। ये क्या है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बर्थ कंट्रोल को रोकने के लिए, ज्यादा बच्चे न हो इसको रोकने के लिए। दो तरह के होते हैं, एक नेचुरल मेथड और दूसरा जो है आर्टिफिशियल है। नेचुरल मेथड क्या है, देखो महिलाओं में लगभग लड़कियों में 10 साल की उम्र के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, और ये हर महीने 28 दिन के बाद ये नेचुरल साइकिल चलती रहती है। जिस दिन मेंस्ट्रुएशन शुरू होता है, जिस दिन मेंस्ट्रुएशन पहले दिन शुरू होता है, उसके 10वें दिन से 17वें दिन मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने के
दसवें से सत्रहवें दिन तक ये जो लगभग 7 दिन का पीरियड होता है ये बहुत ही फर्टाइल माना जाता है। इस समय अगर मेल फीमेल का कांटेक्ट होता है तो इस समय प्रेगनेंसी के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अगर इन दिनों को अवॉइड कर दिया गया तो प्रेगनेंसी के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। ये नेचुरल चीज है, ठीक है। दूसरी चीज है लैक्टेशन। लैक्टेशन अमिनोरिया कहते हैं। लैक्टेशन RHCA। देखिए ये क्या है, डिलीवरी के बाद जब बच्चे का जन्म होता है तो माताएं उनको दूध पिलाती है। जब तक एक्टिव लैक्टेशन होता है तब तक मेंस्ट्रुएशन नहीं आता है, तो उस समय उसको डिलीवरी को पास्टुरिशन भी कहते हैं। पास्टुरिशन डिलीवरी को पास्टुरिशन ये भी कहा जाता है। तो आफ्टर पास्टुरिशन जब लैक्टेशन टाइम होता है, जब बच्चे माताओं का दूध पीते हैं, उस समय मेंस्ट्रुएशन साइकिल रुकी रहती है। तो एक एक नेचुरल बैरियर है, एक नेचुरल मतलब ब्रेस्ट फेड के समय लगभग 6 महीने का पीरियड, इससे कम ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन लगभग 6 महीने तक जब तक माताएं दूध पिलाती हैं, ब्रेस्ट फेड करती हैं, उस समय तक मेंस्ट्रुएशन का जो पीरियड है वो रुका रहता है। तो उस समय कंसेप्शन के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। अब देखिए इसको मिटा दें, वो तो नेचुरल मेथड हो गए दोनों ही। बैरियर मेथड जो हमने आज कहा था वो बैरियर मेथड है। बैरियर मेथड या आर्टिफिशियल मेथड ये क्या है? बैरियर मेथड में ओवम और स्पर्म को फिजिकली एक दूसरे से मिलने से प्रिवेंट किया जाता है। स्पर्म्स का ओवम से कांटेक्ट नहीं हो पाए, उन दोनों को अलग अलग रखा जाए, रोक दिया जाए, ये होता है बैरियर। एक बैरियर लगा दिया जाता है, उसके लिए कुछ चीजें यूज की जाती हैं, जैसे नंबर 1 कंडोम, नंबर 2 डायाफ्राम, नंबर 3 सर्वाइकल कैप, नंबर 4 वोल्ट्स, उसके बाद स्पर्म मेड्यूकल क्रीम्स जेलीज, क्रीम्स हैं जेलीज, और उसके बाद फोम्स भी आते हैं, और उसके बाद इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस, इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस, उसके बाद हार्मोन रिलीजिंग IUD बोलते हैं, ये भी यही है इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस, और उसके बाद ओरल पिल्स हैं, और उसके बाद है सर्जिकल मेथड। चलिए पहले इसको हम लोग इतना क्लियर कर, एक एक मैं क्लियर करके आपको बताता हूं। देखिए सर्वे कॉन्डोम्स ये रबर या लेटेक्स वगैरह के बने होते हैं,
रबर और लेटेक्स के बने होते हैं, इनका यूज मेल फीमेल दोनों ही कर सकते हैं, कर लेते हैं। इनसे स्पर्म्स को रोक दिया जाता है, वो ओवम से नहीं मिल पाए, उसको फर्टाइल नहीं कर पाए। और डायाफ्राम्स आते हैं, ये लेडीज के लिए है, लेडीज का यूज करती हैं। सर्वाइकल कैप्स इनका भी यूज लेडीज करती हैं, वॉल्स इनका भी यूज लेडीज करती हैं। उसके बाद स्पर्मिसाइडल स्पर्मिसाइडल ऐसे ऐसी क्रीम्स जेलीज या फोम्स आते हैं जो स्पर्म्स को इनएक्टिव कर देते हैं, स्पर्म्स को उनकी मोटिलिटी को उनकी गति को रोक देते हैं, उनको इनएक्टिव कर देते हैं। वो जेलीज हैं, क्रीम्स हैं, फोम्स हैं, ये सब चीजें हैं। इसके बाद इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस, यूटेरिन के अंदर, यूटेरस के अंदर कुछ डिवाइसेस यूज की जाती हैं। आप लोगों ने लूप्स, कॉपर टी, कॉपर सीमेंट, मल्टी लोडेड 375 के सब नाम सुने होंगे।